नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। बीते दिनों एक न्यूज चैनल द्वारा किया गया सर्वे में प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को देश का सबसे खराब मुख्यमंत्री बताया, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्या ने कहा है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के खुले संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एक न्यूज चैनल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को देश का सबसे खराब मुख्यमंत्री बताया जा रहा है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रदेश की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का झूठ जनता के सामने बेनकाब हो गया है। वैसे भी केंद्र एवं राज्य की बीजेपी सरकार की विफलताओं से जनता में आक्रोश है। उन्होंने बीजेपी सरकार को पूरी तरीके से विफल बताया। सर्वे में 5 नंबरों में फर्स्ट नंबर में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हमारे इस सरकार में जो नेतृत्व कर रहे हैं, देखिए उनका एक फर्स्ट नंबर में सबसे बेकार मुख्यमंत्री के रूप में ये सर्वे आया लगा लो। अब ऐसे सर्वे में जब आने पर क्या स्थिति होगी इस प्रदेश की, ये आप खुद जान सकते हैं। जिस तरीके से जो एक योजना थी और जैसे विकास कार्य थे, ये सब धरातल में बिल्कुल नहीं है, इनके हवाई में चल रहा है और कह रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे इस तरीके से। और महंगाई के नाम से ये लोग सरकार में आए थे, आज महंगाई इन्होंने बिल्कुल उड़ान में भर दिया है। और मेरा कहने का मतलब ये है, जब इस प्रदेश की ऐसी हालत है तभी तो देख करके सर्वे में भी आया, ऐसी सरकार को जाना तय है। और हम लोग जो है एकजुटता के साथ 2022 में हम अपनी कांग्रेस सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने MBPG कॉलेज हल्द्वानी में 4G हाई स्पीड सेवा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि मार्च तक प्रदेश के सभी कॉलेजों को वाईफाई से लैस कर दिया जाएगा, जिससे बच्चों को पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि सरकार ये भी चाहती है कि स्थानीय विधायक और सांसद ही अपने क्षेत्र में इस सेवा का उद्घाटन करें, लेकिन हल्द्वानी दौरे के चलते उन्होंने कॉलेज में 4G सेवा का विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि बच्चे इंटरनेट तकनीकी के जरिए पढ़ने में और उनका सुधार आएगा, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकेगा। यही नहीं, मार्च से बच्चों का खेल शिक्षा से संबंधित बहुत सारी सामग्री भी सरकार देने जा रही है, जिससे बच्चे अनेक सुविधाओं से लैस होकर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकेंगे। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने तांडव वेब सीरीज का विरोध करते हुए सीरीज के निर्माताओं का पुतला फूंका है, जिसमें कार्यकर्ताओं ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए इस वेब सीरीज के प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक की मांग उठाई है। यह हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने वेब तांडव सीरीज के निर्माता एवं अभिनेता सैफ अली खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि तांडव सीरीज में हिंदू देवताओं का मजाक उड़ाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से बॉलीवुड में हिंदू संस्कृति के खिलाफ हमला किया जा रहा है, उसका विरोध करना ही होगा, वरना ये ऐसा आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि तत्काल वेब सीरीज निर्माताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए, अन्यथा हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। उन्होंने वेब सीरीज के प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक की मांग उठाई है। निवेदन है, निवेदन समझे चाहे आग्रह समझे, हम जो है ये तांडव मूवी को बंद करवाना चाहते हैं। इन्होंने जो है काफ़ी अश्लील बातें करी हैं, हमारे देवी देवताओं के प्रति उल्टा सीधा बोला गया है, जिसको हमारी हिंदू युवा वाहिनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हमें इस बात को सरकार को हमारी मानना ही पड़ेगा। ये जो हमारे देवी देवताओं के साथ आए दिन खिलवाड़ होते रहते हैं, हम ये सब चाहते हैं कि ये हमारे देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। हमारा उत्तराखंड सरकार से कि इसको जो है इस पर आप FIR दर्ज कराई जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि जो ये तांडव मूवी बनी है, इसको बंद कराने के लिए तुरंत एक FIR दी जाए, जिससे। और वहीं हल्द्वानी में Amazon प्राइम वीडियो में रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव का विरोध तेज हो गया है। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के कार्यकर्ताओं ने आज वेब सीरीज के निर्देशक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलाकारों का पुतला फूंका। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म की देवी देवताओं का अपमान कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप भी लगा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर निर्देशक अली अब्बास इस तरीके की फिल्म बना रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार से तत्काल इस फिल्म को बैन करके इसके निर्माताओं और निर्देशक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। जो तांडव वेब सीरीज बनाई गई है, उसमें हिंदू देवी देवताओं के अपमानजनक दृश्य दिखाए गए हैं, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने पुतला फूंक कर भारत सरकार से ये मांग की है कि वेब सीरीज के साथ साथ इन कलाकारों को भी हमेशा के लिए बैन किया जाए, क्योंकि ये लोग ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की लिखी हुई स्क्रिप्ट
यहाँ भारत में अपना रहे हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं भड़कने की संभावनाएं हैं। इसलिए हम पुतला फूंककर ये विरोध दर्ज करते हैं कि इन लोगों को पूर्ण रूप से बैन किया जाए। लालकुआ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार का पुतला फूंका। यहां बिंदु खट्टा कार रोड स्थित शहीद स्मारक चौक पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद दुर्गापाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और राज्य और केंद्र सरकार का पुतला आग के हवाले किया है। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा है कि भाजपा सरकार देश की जनता को विकास के नाम पर महंगाई का तोहफा दे रही है। उन्होंने कहा है कि आज पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, पर मोदी सरकार चुप बैठी है। उन्होंने कहा है कि वास्तव में ये सरकार जनता को ठगने और लूटने में लगी हुई है, जिससे उनका असली चरित्र दिखाई देता है, तथा भाजपा सरकार जनविरोधी नीतियों को लागू करके जनता की खून पसीने की कमाई को चूसने का काम कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्दी रसोई गैस सिलेंडरों के दामों की बढ़ोतरी को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और आंदोलन करेगी। देखिए, जिस तरह से आज महंगाई आसमान को छू रही है और आम जनता पर महंगाई का बहुत बुरा असर हो रहा है, और ये डबल इंजन सरकार कह रहे कि अच्छे दिन आएंगे, तो यही क्या अच्छे दिन हैं? रसोई गैस महंगी, डीजल पेट्रोल महंगा, दाल महंगी, बिजली महंगी, पानी महंगा, कोई सस्ता क्या है? सब चीज़ महंगी महंगी है। तो इस महंगाई के ज़माने में किस तरह से आदमी जी रहा, आम आदमी, ये बहुत कठिन बात है। और डबल इंजन सरकार जो झूठे नारे दे करके जनता को गुमराह कर रही, झूठ बोलना इनका उद्देश्य है, लक्ष्य है, आज वही जनता त्रस्त है। और निश्चित रूप से इस महंगाई का जवाब, बेरोजगारी का जवाब, महिला कानून व्यवस्था का जवाब और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसका जवाब निश्चित रूप से कांग्रेस 2022 के चुनाव में देगी। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को कड़ी टक्कर देकर जीत हासिल करने के लक्ष्य के साथ चुनावी रण में उतरी आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री रक्षित वर्मा ने बताया कि अगले 3 महीने में राज्य के प्रत्येक बूथ और वार्ड तक आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार किया जाएगा। 60% संगठनात्मक संरचना हो चुकी है। हल्द्वानी विधानसभा में भी ये बूथ स्तर तक पार्टी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। भाजपा और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। और कम अज आगामी 3 माह में हम लोग पूरे उत्तराखंड में हर वार्ड तक पहुंचने का हमारा प्रयास है और इसमें हम लोग लगभग 50-60% उपलब्ध कर चुके हैं, अपना टारगेट रीच कर चुके हैं। आगे आने वाले चुनावों में हम हर वार्ड पर अपने पदाधिकारी नियुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप हल्द्वानी विधानसभा की बात करें तो लगभग 60% हम लोग ये टारगेट अचीव कर चुके हैं। 168 में से लगभग हम 70 से 80 लोगों को नियुक्त कर चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।